हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई जिमी शेरगिल की फिल्म कॉलर बम को। जिस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी फोकस करती है जिमी शेरगिल के कैरेक्टर मनोज सेही पर, जो अपने टाउन के हीरो है और इसी के चलते उनके बेटे को उसी शहर के काफी नामचीन स्कूल में एडमिशन भी मिल रहा है, जिसके बाद वहां की सेरेमनी के टाइम पर शोएब अली नाम का टेररिस्ट आ जाता है और उसके सीने पर लगा हुआ होता है बम, जिसके बाद उस सिचुएशन से जिमी शेरगिल का कैरेक्टर मनोज किस तरीके से डील करता है, इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है और शोएब का असल मकसद क्या है, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म कॉलर बम को। जिस फिल्म की लेंथ की बात करें तो ये फिल्म लगभग 1.5 घंटे की है, लेकिन फिर भी वक्त तो वक्त होता है जब आपको इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, आप आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है और अब आपने कहानी भी सुनी है तो डेफिनेटली आपको ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और फिल्म की काफी छोटी लेंथ आपको ये हिंट भी देती है कि ये काफी फास्ट पेस पर चलने वाली एक एक्शन फिल राइड होगी। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये राइड अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से बंद कर देखोगे तो एक टाइम पास है, और जहां आपने अपने दिमाग का लॉजिक लगाना शुरू किया तो ये फिल्म आपको पूरी तरीके से टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं लगेगी। जी हां, और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने इस फिल्म को बस एक काफी खाली टाइम के हिसाब से ही देखा, जिसे देखकर मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी में इतना ज्यादा दम था कि अगर इस कॉन्सेप्ट को राइटर और भी काफी अच्छी तरीके से और अच्छा खासा टाइम लेकर लिखते तो रिजल्ट हमारे सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता। लेकिन अफसोस, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी राइटिंग के अलावा दूसरा काम बनता है फिल्म के डायरेक्टर का, जिनका अगर डायरेक्शन अच्छा हो तो फिर फिल्म देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो ये फिल्म डायरेक्शन के हिसाब से इतनी ज्यादा फीकी है कि कभी कभी फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स उम्मीद से कई ज्यादा परे लगते हैं। और आ जाए कास्टिंग डिपार्टमेंट पर, तो उनकी तरफ से भी कोई भी मेहनत नहीं की गई है, इसलिए हमें इस फिल्म में ऐसे एक्टर्स नजर आए जिनकी एक्टिंग में हमें जरा भी दम नजर नहीं आता। बाकी फिल्म को बची कुची बर्बाद करने की कसर तो फिल्म के डायरेक्टर ने ही कर दी है, जिन्होंने कैमरे को पकड़ते वक्त ये तक नोटिस नहीं किया कि कौन से एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं और कौन से बिल्कुल भी नहीं। और फिर आते हैं बाकी एक और एक जिम्मेदारी फिल्म की एडिटिंग पर, तो यहाँ पर एडिटर को बस यही बोला गया था कि आपको फिल्म को बहुत ही फास्ट पेस में कट करना है। और फिर क्या, एक सीन से दूसरे सीन पर ये फिल्म इस तरीके से जम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से कैरेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। और जब उसकी स्टोरी यानी कि कह लो कि टेररिस्ट की बैक स्टोरी की बात की जाती है, तब उसकी बैक स्टोरी की प्रेजेंटेशन कहां गई, ना वो हमें मिलती है और ना ही फिल्म में दिखाए गए किसी भी कैरेक्टर की डेवलपमेंट। उन सभी को कैरेक्टर्स के हिसाब से बस इस फिल्म में अपना रोल करना था, तो एक्टर आते हैं अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। और फिर अचानक से अगले सीन में हमें एडिटिंग के चलते उन कैरेक्टर्स की फिर से एंट्री दिखाई जाती है, और फिर ऐसे ही करते करते ये फिल्म काफी जल्दी खत्म हो जाती है, जो फंडा मासस ऑडियंस को अच्छा लगेगा। यानी कि मासस ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई जो ये फिल्म है वो आपसे ज्यादा डिमांड करती ही नहीं, बस यही कहती है कि हमारे पास ये कंटेंट है, देखो वरना सीधे भाड़ में जाओ। और फिर क्या, उसी टाइम पास के चलते यानी कि खाली टाइम के चलते मैंने इस फिल्म को देखा, और जब मैं समझ ही रहा था कि इस फिल्म में चल क्या रहा है तब तक ये फिल्म खत्म हो गई। और अब ये फिल्म इतनी भी ज्यादा महान है नहीं कि मैं इसके बारे में बैठकर घंटों आपका टाइम वेस्ट करूं और जबरदस्ती के अपने दिमाग को खर्च कर फिल्म के काफी सारे लूप्स को पकड़ूं। हालांकि लूप फिल्म में भर कर डाले गए हैं, लेकिन मुझे उन पर बात नहीं करनी क्योंकि मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है, जो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये फिल्म भी कुछ इसी तरीके से बनाई गई है। लेकिन फिर भी मैं आपकी थोड़ी क्लियरेंस के लिए इसकी रेटिंग पर आता हूँ, ताकि आपको पक्का पता चल जाए कि फिल्म में कौन कौन से एलिमेंट पर ध्यान दिया गया है और किस पर बिल्कुल भी नहीं। जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से 1.5 स्टार की। बाकी कॉमेडी के लिए फिल्म तो 5 में से 0 स्टार डिजर्व करेगी, और ड्रामा के लिए 5 में से सिर्फ 2 स्टार। और सस्पेंस की बात करें तो जो फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए थे और जिस तरीके का पे ऑफ हमें इस फिल्म में चाहिए था, उसे तो काफी टाइम पहले ही रिवील कर दिया गया। और फिर जब उसका रिजल्ट निकल कर आया तो वो सस्पेंस मेरे लिए बिल्कुल भी सस्पेंस जैसे नहीं थे। ये चीज आप तब नोटिस करोगे जब आप किसी कैरेक्टर की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे, उन्हें काफी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, सस्पेंस का पता आपको खुद में खुद चल जाएगा कि इन सबके पीछे है कौन। इसलिए मेरी तरफ से इस फिल्म की सस्पेंस की रेटिंग 5 में से 1 स्टार की बनेगी। क्यों, तो वो आप एंड देख लीजिएगा, भले से ही बिना लॉजिक का था लेकिन मैसेजिंग ठीक ठाक था। और अब थ्रिल की बात करें तो थ्रिल के लिए भी इस फिल्म की रेटिंग एक्शन की तरह 5 में से 1.5 स्टार की रहेगी, क्योंकि कुछ मोमेंट टेंस से भरे हुए थे। बाकी बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म A- की रेटिंग डिजर्व करेगी, क्रिटिक्स की नजरों में सीधे सीधे सी की, और मैं इस फिल्म को C- की कैटेगरी में रखूंगा। यानी कि एक ऐसी फिल्म जिसे आपको इग्नोर कर देना चाहिए, अगर खाली टाइम है तो देख लीजिएगा, फिल्म बहुत ही फास्ट पेस पर चलती है, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि मैंने मेरा ओपिनियन आपको दे दिया है इस फिल्म।
फिल्म से रिलेटेड। तो फिर क्या, चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।